हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डोरेमोन वर्सेस बेन 10 की स्टेशनरी का कलेक्शन लेकर आओ। तो गाइज आप सबकी डिमांड पर मैं बॉक्स भर के बेन 10 और डोरेमोन की स्टेशनरी लेकर आ चुका हूं। और इस बॉक्स के अंदर ना आधी चीजें जो है ना डोरेमोन की है और आधी चीजें इस तरफ जो है बेन 10 की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर स्टेशनरी भी है, टॉय भी है और बहुत सारे गैजेट्स भी हैं। और ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमारे पास यहां पर है डोरेमोन का करेक्शन टेप। यहां लिखो, यहां लिखा है डोरेमोन, यहां करेक्शन टेप लिखा हुआ है। देखो काफी बढ़िया करेक्शन टेप है, जब हम कुछ गलत लिख देते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए काम आती है बहुत ज्यादा ये। इसके बाद यहां पर हमारे पास बेन 10 का 20 सेंटीमीटर का स्केल है। इसके अंदर देखो ये आप यहां पर एक पजल गेम मिलती है और एक यहां पर एक और गेम यहां पर मिल जाते हो। तो दो दो गेम भी है इसके अंदर और इसके बाद लाइन भी खींच सकते हो आप लोग और चीजों को नाप भी सकते हो। और हमारे पास यहां पर एक डोरेमोन का बहुत ही प्यारा पेन है, ये मल्टी कलरिंग पेन है। देखो इसके अंदर 6 कलरिंग्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ब्लैक है, ब्लू है, पिंक, रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन है और पर्पल है। तो ये 6 कलरिंग्स इसके अंदर देखने के लिए मिलती है इस पेन के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास बेन 10 एलियन की एक इरेजर है। यहाँ पर देखो इस एलियन के दो सींग है, एक आंख है। देखो काफी बढ़िया लग रहा है ना, ग्रीन कलर का बेन 10 एलियन वाला इरेजर, कितने जंबो साइज का इरेजर है। इससे इरेज करने में तो मजा ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हमारे पास बहुत ही कमाल की एक डोरेमोन की वाटर बॉटल है। ये पूरी स्टील की बनी हुई बॉटल है। यहाँ पर एक हुक दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो, बैग की जिप में भी, आप हैंडल में भी टांग सकते हो कहीं पर भी। और देखो सेम ऐसी ही हमारे पास यहाँ पर बेन 10 की बॉटल भी है, ये भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में आप लोग ये बताओ कि आपको बेन 10 की बॉटल ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर जो है डोरेमोन की वाटर बॉटल ज़्यादा पसंद आ रही है। दोनों के अंदर ही सेम हुक दिया गया है, सेम तरीके से यूज होती है। इसके अंदर भी आप यहाँ से जो है ओपन करके पानी पी सकते हो, इसके अंदर भर सकते हो। और जो डोरेमोन की बॉटल है इसके अंदर भी इसी तरीके से ओपन करके पानी भर सकते हो और इसके अंदर से पानी पी सकते हो। इसके बाद हमारे पास बहुत ही बढ़िया बैग, एक बहुत ही प्यारा डोरेमोन का एक और मल्टी कलरिंग पेन है। इसके अंदर भी 6 कलरिंग का आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा पेन है, इससे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ पर बेन 10 की हमारे पास एक प्रोजेक्टर वॉच है। यहाँ पर बेन 10 का फेस है, यहाँ बेन 10 बना हुआ है, यहाँ पर बेन 10 लिखा है, बेन 10 ओमनिवर्स, और यहाँ पर भी बेन 10 है। और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो और यहाँ जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं इनसे टाइम सेट कर सकते हो। और यहाँ एक बटन है, इसको प्रेस करके आप प्रोजेक्टर ऑन कर सकते हो। देखो इसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट निकल रही है और रात के अंधेरे में एकदम क्लियर दिखाई देती है। और ये बटन दबाने के बाद आप इसको जितनी बार घुमाओगे उतनी ही अलग अलग पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। और यहाँ हमारे पास सेम ऐसे ही डोरेमोन की भी एक बहुत प्यारी प्रोजेक्टर वॉच है। इसके अंदर भी आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो और यहाँ पर डोरेमोन का फेस है, यहाँ पर भी डोरेमोन है और यहाँ बटन है। इसको प्रेस करके इसकी भी जो प्रोजेक्टर लाइट ऑन हो जाती है और इसमें भी इमेजेस देख सकते हो आप लोग। और रात के अंधेरे में देखोगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा और यहाँ पर गियर को बार बार घुमाओगे तो पिक्चर चेंज होती है। काफ़ी बढ़िया वॉचेज हैं ये। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक बेन 10 का बहुत ही प्यारा एक ग्लास है। यहाँ पर देखो इसका नाम है टपरवेयर और इसके अंदर आप जो है कोई भी ड्रिंक वगैरह पी सकते हो। ये देखो इस तरीके से खुल जाता है, ये देखो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ से ओपन करके आप इसके अंदर चाय, कॉफ़ी, जूस, पानी कुछ भी पी सकते हो। काफ़ी बढ़िया टपरवेयर है ये और इसको वापस ऐसे बंद कर सकते हो। एयर टाइट होता है ये, तो एक बार ये बंद हो जाए तो इसके अंदर से बिल्कुल भी गिरता नहीं है लिक्विड, कोई भी पानी हो कुछ हो इसमें से गिरता नहीं है। अगर गिर भी जाएगा ना तो भी इसमें से नहीं गिरेगा। इसके ऊपर देखो यहाँ बेन 10 ओमनिवर्स लिखा है, यहाँ पर देखो बेन 10 के एलियंस भी बने हुए हैं, यहाँ बेन 10 भी बना हुआ है। काफी बढ़िया है ये। इधर हमारे पास डोरेमोन का एक बहुत ही प्यारा एक अलार्म वॉच आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये एक जंबो पेंसिल शार्पनर है अलार्म वॉच की शेप में। यहाँ दो दो डोरेमोन है, यहाँ से आप पेंसिल को डालने के बाद इस हैंडल को अगर 3-4 सेकंड गोल गोल घुमाओगे तो आपकी पेंसिल शार्प हो जाती है और बाद में सारा डस्ट यहाँ ट्रे में से आप निकाल पाओगे क्योंकि सारा डस्ट यहाँ ट्रे में ही कलेक्ट हो जाता है। काफी बढ़िया पेंसिल शार्पनर है। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक जंबो साइज की ग्रीन कलर की आपको पेंसिल नजर आ रही होगी दोस्तों। ये एक पेंसिल केस है, इसको इस तरीके से ओपन करोगे ना तो इसके अंदर आप काफी सारी स्टेशनरी यहाँ पर रख पाओगे। और ये देखो वापिस ऐसे बंद हो जाता है और देखो इसको पेंसिल की तरह आप होल्ड कर सकते हो। काफी बढ़िया चीज है ना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत ही प्यारा डोरेमोन का पेंसिल शार्पनर है। ये देखो यहाँ से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहाँ से कचरा निकाल सकते हो। काफी बढ़िया है ना, काफी यूनिक चीज है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बेन 10 का एक 4 कलरिंग वाला पेन है। इसके अंदर में ब्लैक कलर मिलता है, ब्लू मिलता है, रेड मिलता है और ग्रीन मिलता है।
तो ये सारे कलर इसमें मिलते हैं और यहाँ पर बेन 10 भी इसके ऊपर प्रिंटेड है। यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन का पेंसिल बॉक्स है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ लिखा है हैप्पी, यहाँ डोरेमोन है, यहाँ पर डोरामी है, यहाँ एक बटन है व्हाइट कलर का, इसको दबाने से दो दो होल ओपन होते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए और यहाँ से कचरा आप निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको टेबल लैम्प मिलता है जो रात के अंधेरे में आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, और लाइट ये ऑफ भी हो जाती है। यहाँ पर आप स्टेशनरी रख सकते हो और पीछे की तरफ भी यहाँ पर भी काफ़ी सारी स्टेशनरीज आप रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बेन 10 की एक और वॉच है और यहाँ पर देखो टाइम आ रहा है, यहाँ पर बेन 10 है इसके अंदर, इधर भी बेन 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बेन 10 है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक बटन है, इसको प्रेस करने से इसके अंदर लाइट ब्लिंक होने लगती है। ये ग्लोइंग वॉच है तो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइट्स ब्लिंक होती है, रात के अंधेरे में ये लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, आपके टाइम देखने में भी ये बहुत हेल्प करेगी रात को, काफ़ी बढ़िया वॉच है ना। इधर हमारे पास एक डोरेमोन का बहुत ही कमाल का कीचेन है, देखो यहाँ पर है डोरेमोन, यहाँ पर एक इसमें बेल भी दिया गया है और यहाँ पर एक हुक दिया गया है, इसको कहीं पर भी आप लटका सकते हो, टांग सकते हो, और यहाँ लिखा है डोरेमोन स्ट्रैप भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया डोरेमोन का कीचेन है हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत ही शानदार एक काफ़ी कमाल का कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा बेन 10 का कैप्सूल, और गाइज ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये एक पेन है दोस्तों बेन 10 के कैप्सूल की शेप में, और इस तरह के झटका मारोगे पेन बाहर आ जाता है, यहाँ से पकड़ के पेन से लिख सकते हो। और देखो यहाँ पर बेन 10 भी लिखा है, बेन 10 भी प्रिंटेड है। और हमारे पास यहाँ पर एक और पेंसिल केस है डोरेमोन का, यहाँ पर देखो एक डोरेमोन यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ पर नोबिता है, और देखो पीछे से भी सेम है, और यहाँ एक बटन है इसको दबाओ तो दो दो होल दिखेंगे आपको पेंसिल शार्प करने के लिए, और इसके अंदर यहाँ पर भी स्टेशनरी रख सकते हो और यहाँ पीछे की तरफ भी काफ़ी सारी स्टेशनरीज आप बहुत ही इजीली बिना किसी दिक्कत के रख सकते हो। यहाँ पर बेन 10 का एक बहुत ही प्यारा पाउच है, देखो इसको, इसके ऊपर भी बहुत सारे बेन 10 प्रिंटेड है हर जगह पर चारों तरफ, और इसको ओपन करोगे तो इधर भी आप जो है बहुत सारी पॉलीथिन को आपको निकाल देना है और इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेशनरी आप रख पाओगे। तो ये देखो कितना एकदम गोल मटोल है, और ये वॉशेबल है, इसको वॉश भी कर सकते हो अगर ये गंदा हो जाता है तो, इसकी खासियत ये है। यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन का कार शेप में एक पेंसिल केस है, यहाँ पर डोरेमोन है, और देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना, इधर भी एक सबसे क्यूट डोरेमोन यहाँ पर लग रहा है देखने में, और ये वाला डोरेमोन कितने गुस्से में लग रहा है। तो यहाँ पर से इसकी जिप ओपन करके आप इसके अंदर अपनी फेवरेट स्टेशनरी आइटम्स अरेंज करके आराम से रख सकते हो, यहाँ नेट वाली पॉकेट में भी रख सकते हो और यहाँ पर भी आप आराम से रख सकते हो। इसको रख देते हैं, इसकी जिप भी आराम से खुल जाती है और बंद भी बहुत ही आराम से हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही प्यारा बेन 10 का भी पेंसिल केस है ऐसे ही, और यहाँ पर देखो बेन 10 है, और बेन 10 ने अपनी ओमनीट्रिक्स वॉच भी पहनी हुई है, 3D स्टाइल में बेन 10 यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर बेन 10 एलियन है, और पीछे भी देखो ऐसे ही है, यहाँ पर ब्लू कलर की जिप है, इसको ओपन करके भी इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेशनरी आप अरेंज करके रख सकते हो। यहाँ पर आपका इरेजर, शार्पनर, पेंसिल्स, स्केल वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर कंपास, डिवाइडर और आप वगैरह चीज़ें आपकी जो है आ जाएंगी। और देखो इसकी जिप भी सुपर स्मूथ है, बहुत आराम से खुलती है और बहुत आराम से इसकी जिप भी बंद हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन की एक वाटर बॉटल है, यहाँ पर देखो यहाँ डोरेमोन है, यहाँ डोरेमोन लिखा हुआ है, यहाँ पर है सुन जियान, यहाँ पर नोविता है, सिजुका है, यहाँ पर सुनियो है, देखो है ना गाइस, और ये सुनियो बहुत अमीर होता है और जियान बहुत गुस्से वाला होता है, सबकी पिटाई कर देता है। यहाँ पर इसमें स्ट्रैप लगी हुई है बोतल में, आप गले में टांग कर कहीं भी ले सकते हो, और यहाँ से ओपन करके इसके अंदर वाटर फिल करके आप पानी पी सकते हो, काफ़ी बढ़िया वाटर बॉटल है ना। और ये देखो ये हो गई बंद, काफ़ी मस्त वाटर बॉटल है ये। इधर हमारे पास ग्रीन कलर का बेन 10 का एक कमाल का लंच बॉक्स है, देखो यहाँ लिखा है एक कार्टून है ओरिजिनल, और यहाँ लिखा है बेन 10, और देखो यहाँ पर बेन 10 के एलियंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देखो वहीं लिखा है लॉकेट लंच बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम है लॉकेट लंच बॉक्स। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है स्पेस, और ये ओपन हो गया, देखो कितने स्टाइलिश तरीके से खुलता है। खुलने के बाद यहाँ से इसका ढक्कन खोलते हैं हम लोग, और ढक्कन खोलते ही देखो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और इसके अंदर काफ़ी कमाल की स्पून है जो एक तरफ से फोक का काम करते हो और एक तरफ से स्पून का, इधर से नूडल खा सकते हो और इधर से राइस खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो, काफ़ी मस्त है ना। और एक मिनी लंच बॉक्स इसके अंदर मिला है, इसके अंदर सब्जी अचार वगैरह लेकर जा सकते हो और साइड में आप रोटी राइस वगैरह लेकर के जा सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये बेन 10 का कमाल का लंच बॉक्स कमेंट में बताओ, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, और ये इजीली ऐसे बंद भी हो जाता है, देखो हो गया ना बंद, काफ़ी बढ़िया था ना। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डोरेमोन का पेंसिल केस है, यहाँ हेलो लिखा है, यहाँ डोरेमोन है, तो इसको ओपन करते देखो इसके अंदर हमें मिलती है दो डोरेमोन की पेंसिल्स, एक इरेजर, एक शार्पनर और एक 15 सेंटीमीटर का स्केल मिलता है, और ये सब रखा है ट्रे के ऊपर, और ट्रे को हटा के ट्रे के नीचे भी आप काफ़ी सारी स्टेशनरीज रख सकते हो बहुत आराम से। इसके बाद यहाँ पर बेन 10 का एक और पेंसिल केस है हमारे पास, यहाँ देखो बेन 10 बना हुआ है और यहाँ पर एलियंस बने हुए हैं हर जगह पर, और पीछे भी सेम ऐसे ही है, दोनों तरफ से एक ही है ये, इधर से भी सीधा लगता है, इधर से भी सीधा लगता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जिप दी गई है, जिप के ऊपर लिखा है जिराफ,
तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक नेट वाली पॉकेट मिलती है हमें। यहाँ से जिप ओपन करके आप इसके अंदर जो भी चीज़ें रखोगे वो आपको बाहर से ही नज़र आएंगी। काफ़ी अच्छे तरीके क्वालिटी का बना हुआ है। यहाँ पर आप इसके अंदर पेन, चार पेंसिल्स इसके अंदर पॉकेट के, छोटी छोटी पॉकेट है, इसके अंदर चार पेन पेंसिल आप डाल के रख सकते हो, और यहाँ अलग चीज़ें रख सकते हो, यहाँ अलग चीज़ें रख सकते हो, और यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो। अगर ये गुम हो जाए तो कोई भी आपके घर पे इसको पहुंचा सकता है। काफ़ी बढ़िया है ना ये बेंटन का पाउच, ये बेंटन का जो पेंसिल पाउच है या फिर केस बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगा। मतलब इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही कमाल का डोरेमोन का जंबो पेंसिल बॉक्स है। इसमें देखो यहाँ पर डोरामी है, डोरेमोन है और नोबिता है। यहाँ पर चार बटन है रेड कलर के। पहला बटन दबाओगे तो यहाँ से शार्पनर बाहर आता है, ऐसे पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो। दूसरा बटन दबाओगे यहाँ पर इरेजर रख सकते हो। तीसरा और चौथा बटन दबाओगे यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें आप छुपा के रख सकते हो। यहाँ पर इसको ओपन करोगे यहाँ पर आप पेंस और पेंसिल्स इसके अंदर डाल के लॉक कर सकते हो। यहाँ पर आप स्लाइड करके यहाँ पर पॉकेट मनी अपनी छुपा सकते हो। यहाँ एक बटन है, इसको दबा के यहाँ पर कलर पेंस पेंसिल रख सकते हो, और यहाँ पर भी आप क्रेयॉन्स वगैरह लॉक कर सकते हो। यहाँ पर नेम क्लास लिख सकते हो, और यहाँ पीछे की तरफ तो काफ़ी सारी स्टेशनरी आपकी अलग अलग टाइप की बहुत आराम से आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बेंटन का जंबो पेंसिल बॉक्स है। देखो यहाँ पर कैलकुलेटर मिलता है, यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन करके कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो आप लोग। यहाँ भी चार बटन है, इनको दबाते हैं, यहाँ शार्पनर इरेजर, यहाँ आप अपने हिसाब से चीज़ें अरेंज करके आप रख सकते हो। काफ़ी सारा स्पेस है। और देखो ये बंद हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको ओपन करोगे, यहाँ पर पेंसिल्स आप इसके अंदर डाल के रख के लॉक कर पाओगे। और पीछे यहाँ पर नेम क्लास लिखने के साथ साथ आप इधर भी काफ़ी सारी अलग अलग स्टेशनरीज अपनी फेवरेट वाली रख पाओगे। अब डोरेमोन का बहुत ही कमाल का पेंसिल बॉक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखो डोरेमोन प्रिंटेड है, तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है राइटिंग बोर्ड। आप मार्कर की हेल्प से इस पर लिख सकते हो और मिटा सकते हो, और यहाँ पर आप स्टेशनरी रख सकते हो। आप इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये राइटिंग बोर्ड अलग भी हो जाता है इसमें से, और इसके ये एक बुक होल्डर भी बन जाता है। आप इसको ऐसे रखो और यहाँ पर इसको इस तरीके से खोलो और इस तरीके से खोलो, तो यहाँ पर इसको आप ज़मीन पर रख के यहाँ पर बुक रख के पढ़ भी सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। तो इसके अंदर तीन चार काम करता है। ये बुक होल्डर भी है, पेंसिल बॉक्स भी है, उसमें राइटिंग बोर्ड भी हमें मिल जाता है। तो तीन चीज़ें इसमें मिल जाती है, और चौथी चीज़ ये राइटिंग बोर्ड जो है बिल्कुल इसमें से अलग भी हो जाता है। आप चाहते हो इसको अलग करके वापस से ऐसे फिर से आप लगा सकते हो। देखो ये लग गया ना, फिर से हो गया ना पैक। और लास्ट में गाइज हमारे पास बेंटन का एक और पेंसिल बॉक्स है। यहाँ पर देखो 3D स्टिकर है, इसको घुमाएंगे, इसको हिलाते हैं तो इमेज चेंज होती है। यहाँ पर देखो, अब इधर कर दिया अलग इमेज आ गई, ऐसे करा तो अलग इमेज आ गई। यहाँ पर बेंटन है, यहाँ बेंटन के एलियंस है, और इधर एक बटन है, इसको दबाने से देखो आपको दो छेद दिख रहे होंगे, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो, और यहाँ से ऊपर से कैप ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है एक टेबल लैंप, रात के अंधेरे में लाइट जला के आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर को आप यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो कैलकुलेटर को बाहर कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर स्टेशनरी रख सकते हो, और यहाँ पीछे भी बहुत सारी स्टेशनरी आप रख सकते हो। तो दोस्तों मैंने एक एक करके आपको बेंटन और डोरेमोन की सारी स्टेशनरी टॉय गैजेट्स दिखा दिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप जल्दी से कमेंट में ये बताओ कि कौन सी स्टेशनरी विनर है, कि बेंटन विनर है या फिर डोरेमोन विनर है, और आपको आज के वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा ये भी कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर देना, ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज हम हमेशा ही लाते रहते हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।